इंडिया एमएनएस न्यूज लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज की खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल का है ये हाल। बाल दिवस इस दिन से अनजान है ये मासूम। चंपावत में बढ़ता जा रहा है सड़क हादसों का ग्राफ। एलएनजेपी में एक ही बेड पर रह रहे जच्चा बच्चा। राजधानी के एलएनजेपी अस्पताल के गायनी विभाग में एक बेड पर दो दो जच्चा बच्चा को रहना पड़ रहा है। बेड की कमी के चलते जच्चा बच्चा दोनों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर के दिन हुआ था। इन्हें बच्चों से खास लगाव था, इसीलिए देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के जन्मदिन पर ही देश भर में बाल दिवस मनाया जाता है। नेहरू कहते थे कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसीलिए उन्हें प्यार और शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन चाचा नेहरू का ये सपना आज भी अधूरा है। चंपावत जिले की सड़कों को अब खूनी सड़कों का नाम दिया जाने लगा है, क्योंकि चंपावत में सड़क हादसे का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक चंपावत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 38 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इससे कई ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।